5 जनवरी 1986 को डेनमार्क के कोपेनहेगन में प्रकाश पादुकोण और उज्ज्वला पादुकोण के घर दीपिका का जन्म हुआ था। अपने पापा प्रकाश की तरह दीपिका ने भी बैडमिंटन के क्षेत्र में हाथ आजमाया और नेशनल लेवल तक सफलता हासिल की। एक साल की उम्र में दीपिका का परिवार बेंगलुरु शिफ्ट हो गया। दीपिका ने सोफिया हाई स्कूल और माउंट कार्मल कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की, साथ ही इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी में डिग्री हासिल की। अच्छे बॉडी शेप के कारण दीपिका की दिलचस्पी मॉडलिंग की तरफ रही, जहां उन्होंने अपना इतना नाम कमाया कि उनको फिल्मों के ऑफर्स आने लगे। बॉलीवुड की रंगीन दुनिया में कदम रखने से पहले दीपिका एक कन्नड़ फिल्म कर चुकी थी जिसका नाम ऐश्वर्या था। हिंदी और इंग्लिश भाषा के अलावा दीपिका कन्नड़ बोलना भी जानती हैं। 2007 में आई फिल्म ओम शांति ओम से दीपिका ने शाहरुख खान के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जो सुपरहिट रही और दीपिका को फिल्म फेयर की ओर से बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला। इसके बाद दीपिका लव आजकल, लफंगे परिंदे, बचना है हसीनों और हाउसफुल जैसी कई फिल्मों में नजर आई, जो पर्दे पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा सकी। फिल्म बचना ए हसीनों से रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण एक दूसरे के करीब आए, लेकिन एक साल बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। फिल्मों का सिनेमा घरों में ना चलना और रणबीर का दूर जाना दोनों ने दीपिका को अंदर से तोड़ दिया, जिससे वे डिप्रेशन की शिकार हो गई। दीपिका की लाइफ में फिल्म कॉकटेल टर्निंग पॉइंट लेकर आई, जिसमें उन्होंने वेरोनिका का किरदार निभाया, जो दर्शकों और क्रिटिक्स को काफी पसंद आया। 2012 से दीपिका ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और पहले से भी ज्यादा जोश के साथ एक नई दीपिका को पर्दे पर उतारा, जिसने एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्मों से बॉलीवुड में 4 चांद लगा दिए। दीपिका का सफर इतना आगे तक गया कि दीपिका को सीधा हॉलीवुड फिल्मों में एंट्री मिल गई। 2017 में आई फिल्म रिटर्न ऑफ जेंडर केज से दीपिका ने हॉलीवुड में कदम रखा। दीपिका एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में पेश हुई जिन्होंने शुरू से ही अपने दम पर अचीवमेंट हासिल की और डिप्रेशन जैसे गंभीर समस्या को मात देते हुए आगे बढ़ती गई। दीपिका आज कई दिलों की धड़कन है, जिन्होंने सबको अपनी खूबसूरती और अदाओं से मदहोश कर रखा है। 13 साल की उम्र से रिलेशनशिप में रहने वाली दीपिका ने कभी अपने आप को कमजोर नहीं पड़ने दिया। एक मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान दीपिका ने बताया कि वे 13 साल की उम्र से रिलेशनशिप में रही। वो हर रिलेशनशिप में लॉयल थी, लेकिन उनके पार्टनर्स ने उन्हें धोखा दिया। दीपिका रणबीर के अलावा युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, सिद्धार्थ मालिया, निहार पांड्या और उपेन पटेल के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी हैं, लेकिन हर बार निराशा मिलने पर दीपिका ने रिलेशनशिप में न रहने का फैसला लिया था। इन सब के बाद दीपिका की लव लाइफ को बेटर करने के लिए उनकी लाइफ में एंट्री मारी रणबीर सिंह ने, जिनका रिलेशन 6 साल तक चला और नवंबर 2018 में ये दोनों शादी के बंधन में बंध गए। दोनों ने एक दूसरे से इस कदर प्यार किया कि आज दोनों ही इंडस्ट्री के बेस्ट कपल और सुपरस्टार के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी पूरी दुनिया दीवानी बन गई है। और इन दोनों ने साथ में कई सुपरहिट फिल्में बॉलीवुड को दी, जैसे बाजीराव मस्तानी, रामलीला और पद्मावत। बॉलीवुड की इस रानी को उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।